हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप अग्रवाल फ्रॉम इनसाइड लर्निंग एकेडमी। आज से हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करने वाले हैं एंड इसमें मेनली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेली आई विल पिक 4 or 5 टॉपिक्स एंड विल डिस्कस इट वेरी इलेबोरेटली। आई विल डिस्कस इट्स ओरिजिन, व्हाई इट इज इन न्यूज एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक विच आर इन करंट न्यूज। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सांबर डियर, वो कहाँ पे मिलता है और वो क्यों न्यूज में है। सांबर डियर, सो ये न्यूज में था अभी सांबर डियर रिसेंटली ऑन 27 मार्च 2020। वाई इट वॉज इन न्यूज, क्यों था ये? अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके वजह से लॉकडाउन हो रखा है एंड सारे लोग अपने घर में बंद हैं, सारी सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। इन दैट केस एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऑन रोड सांबर डियर को स्ट्रॉल होते हुए देखा उत्तराखंड में नियर राजाजी नेशनल पार्क। सो नाउ दिस इज वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सांबर डियर। तो व्हाट इज सांबर डियर? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डियर फैमिली। ये जो है पूरे डियर फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है और ये जो ओरिजिनेट होता है, इट इज़ मेनली फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया लाइक श्रीलंका, नेपाल, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड। ये कहाँ कहाँ पे अपनी हैबिटेट दिखाता है? इट इनहैबिट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट में। यू कैन सी द मिक्स्ड फॉरेस्ट and it is important, it is mainly find at those places which have a good enough water. If you have a region where there is a lack of water, then you will not find the sambar deer. Sambar deers, they are often a target of hunters. Hunters like to hunt sambar because of their beautiful antler and meat. उनके जो antler होते हैं वो बड़े beautiful होते हैं, वो अपने decoration purpose या फिर any other purpose के लिए उसको hunt करते हैं। ये एक मेडिसिन के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट है। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, दे आर बेसिकली यूज्ड इन एशियन मेडिसिन। एशिया के अंदर मेडिसिन जो बनती है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज में आते हैं। और अगर हम IUCN की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि ये IUCN क्या है, एक रेड बुक डेटा निकालती है जिसके अंदर वो डिफरेंट एनिमल्स को वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज बताती है। सो राइट नाउ सांबर डियर वॉज इन द न्यूज, सो यू शुड नो विद द परस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम दैट इट इज कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबिलिटी बाय द IUCN। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट द राजाजी नेशनल पार्क ऑल्सो, बिकॉज इट हैज बीन फाइंड नियर द राजाजी नेशनल पार्क। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वाई इट इज कॉल्ड राजाजी नेशनल पार्क। The name of the national park, why it is called Rajaji? It is named Rajaji because it is named after a great nationalist, a national leader, freedom fighter, C. Raja Gopalacharya. He was a great freedom fighter since starting and he was the last governor general of India after independence. After 1947, he was the first Indian who was made the last governor general of India, and he was governor general from 1948 to 1950, and he is also the first man who received the most reputed civilian award called Bharat Ratna civilian award. So see, Raja Gopalacharya, he was a man, after him the name was named as Rajaji National Park and it is in the Uttarakhand. So why we have discussed about the sambar deer? Because it is found strolling on roads of the Uttarakhand during such time. So this is a reason why you should know about this sambar. Because kyunki ye news mein aaya hai sambar, so UPSC civil services or in the RAS exam there might be some question regarding sambar deer. And one more thing you should know about Rajaji National Park, the population of elephant is maximum in this national park all over the India. If you match the population of elephant, you will find a maximum population of
elephants in the Rajaji National Park. So this was the content of the Sambhar deer.